Hi guys, this is Ramya and welcome back to my channel. तो आज मैं लेके आ गई हूँ yet another haul और वो भी है again Amazon से और इस बार मैं लेके आई हूँ कुर्ता सेट नहीं but कुर्ते इतने सारे like seriously look at this कितने सुंदर और कितने सारे हैं और ये सब आपको मैं दिखाने वाली हूँ. सो अगर आपको ऐसे हॉल्स पसंद आते हो तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन राइट अवे. इस वीडियो को 5000 लाइक्स तक क्विकली पहुंचा दो गाइस एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि यहाँ पे मैं वीकली एक या दो वीडियो एटलीस्ट डाल सकूँ. हाँ, साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो. अगर आपको मेरी इंस्टाग्राम से अपडेटेड रहना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं. वहां पे जल्द से जल्द हमें 40K तक पहुंचना है. सो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज मैं आपको कुर्ते दिखाने वाली हूँ. सारे मैंने अमेजोन से लिए हैं और साथ सबके सब अंडर 1000 रुपीज ही हैं अराउंड. कुछ भी मेरे हिसाब से 1000 के ऊपर नहीं था. सब बहुत ही अच्छे और काफी अच्छी क्वालिटी के कुर्ते भी हैं. दिखने में भी काफी डिसेंट लुकिंग है. काफी अच्छे मतलब कैजुअल वेयर के लिए ऑफिस वेयर के लिए ये सब काफी अच्छे हैं. सो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट मेक श्योर दैट यू कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो और लिंक्स आपको सारों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ये मैंने स्पेशली एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए बिकॉज मुझे काफी अच्छा लग रहा था दिखने में. रिव्यूज भी अच्छे थे अमेजोन पे. तो वो है इस ब्रांड का नाम है आईवान और इसकी आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी जस्ट इन केस आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से नहीं लेना हो तो आप इनकी वेबसाइट से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं. तो उनकी भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. ओके गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे टॉप फेवरेट कुर्ते से. तो सबसे पहला जो कुर्ता है वो है कुछ इस तरीके का ब्लैक में. तो ये जो है कुछ इस तरीके का है और ये काफी 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 प्यारा लग रहा है. लाइक द लुक एट द कलर और जो एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है कितना प्यारा लग रहा है. इसमें जो है ये इसकी जो आपको फैब्रिक है ना काफी थिक मिलती है. ऑल दो कॉटन में बट काफी थिक कॉटन का फैब्रिक है. मतलब काफी अच्छा है तो ठंड में भी काफी सही रहेगा. बिल्कुल पतलू सा कॉटन ब्लेंड नहीं है बट मोर लाइक अच्छा कॉटन है. इसमें आपको स्लीव्स के एंड में कुछ इतनी मिलती है. स्लीव्स अराउंड इतनी है जितनी आपको दिख रही है करीबन इतनी होगी. इनमें यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एम्ब्रॉयडर्ड जो हमें फ्रंट में दे रखा वही हमने स्लीव्स में भी दे रखा है और इस तरीके से आगे से राउंड नेक और यहाँ पे काफी अच्छा हैवी वर्क हो रखा है. तो ये आप सिर्फ कैजुअल वे में नहीं बट मोर लाइक फेस्टिवल्स में भी पहन सकते हैं. तरीके की फ्लावर्स हैं एम्ब्रॉयडर्ड वर्क काफी काफी सुंदर लाइक दी एम्ब्रॉयडर्ड जो एम्ब्रॉयडरी कर रखी है ना वो काफी डिसेंट काफी अच्छे कॉम्बिनेशंस और कलर कॉम्बिनेशंस को सोच के रखी गई है और काफी प्यारा भी लग रहा है. तो साइज मैंने लिया है एस. तो है मेरे को मिला है 710 रुपीज का. तो ये कुछ इस तरीके का मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटिंग नहीं लगा. बहुत ही अच्छा है बहुत ही प्यारा भी है और बिल्कुल भी बुरा नहीं है. द वर्क द एम्ब्रॉयडरी इज प्रीटी गुड. कुछ इस तरीके का ब्लैक में है. ये थोड़ा सा आपको फेस्टिवल से भी चाहिए और ये कैजुअल वे में भी चाहिए बिकॉज इस तरीके का लगता है. इसमें भी अगेन वही सेम एम्ब्रॉयडरी वर्क है बस इसमें ब्लू एम्ब्रॉयडरी नहीं है. उस वाले में थोड़ी ब्लू भी थी और ये कुछ इस तरीके की है इसकी एम्ब्रॉयडरी. इसके अलावा इसके ऊपर और कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है. कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं है कुछ नहीं है सिंपल है. इसका जो फैब्रिक है वो है रेयॉन में और इसमें आपको इन दी एंड यहाँ पे बेल स्लीव्स मिलती है. इसलिए मैं थोड़ा बोलती हूँ कि थोड़ा कैजुअल में भी आप ले सकते हैं. इसकी जो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी अगेन वही एम्ब्रॉयडरी है जो हमें फ्रंट में भी दे रखी है. इसका मटेरियल जैसे कि मैंने कहा रेयॉन में है और यहाँ पे आपको डबल बेल स्लीव्स मिलती है कुछ इस तरीके से. बैक कंप्लीट प्लेन है कुछ भी नहीं है बैक में. प्राइस है वो है 745 और इसका साइज भी मैंने लिया है एस. नेक्स्ट आइटम है वो है यहाँ पे थोड़ा नेवी ब्लू में और ये कुछ इस तरीके का है. ये मुझे मेरे पे खुद पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा इतना बट आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है मुझ पे. ये है कुछ नेवी ब्लू में और यहाँ पे आपको इस तरीके का स्टैंड कॉलर दिया जाता है और यहाँ पे बटनलेस आपको नेक मिलती है. दैट इज बेसिकली जस्ट फॉर द शो. यहाँ पे आपको बटन बंद करने को नहीं मिलता है. यहाँ पे इस तरीके से आपको नेक पे बहुत ही हैवी सा एम्ब्रॉयडर्ड ऑरेंज टोन्स में वर्क दे रखा है. सेम विद द स्लीव्स. यहाँ पे अगेन आपको बेल स्लीव्स मिलती है वो भी डबल लेयर्ड और यहाँ पे आपको स्लीव्स पे यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा एल्बो का क्या बोलते हैं यहाँ पे आपको फोर आर्म पे बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडर्ड पैच मिलता है कुछ इस तरीके की जो कि कंप्लीटली उस पर एम्ब्रॉयडर्ड करी हुई है चिपकाई हुई नहीं है. उसके अलावा इस कुर्ते में और कोई डिजाइन नहीं मिलेगा. सो दिस इज मोर फॉर द कैजुअल पर्पस और ऑफिस वेयर फिर पहन सकते हैं आप. तो या दिस इज हाउ इट इज और इसका फैब्रिक भी रेयॉन है एंड इसका साइज भी मैंने लिया है एस. इसकी जो प्राइस है वो है 585. तो 585 के लिए मुझे क्वालिटी बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी है. थोड़ा यूथफुल कैजुअल सा कुर्ता जो कि है स्ट्राइप्स में. इसका बेसिक फैब्रिक पैटर्न है और इसका फैब्रिक है कॉटन में और इसमें आपको बहुत हल्की सी बट काफी मतलब डेंस एम्ब्रॉयडरी दी गई है. हल्की हो तो भी काफी डेंस क्योंकि इसमें मोती का भी वर्क कर रखा है और ये यहाँ पे तीन ऐसे पैचेस क्रिएट कर रखे हैं मोती और धागे से.
मोती ही से ही है, हाँ मोती और धागे से है, तो ये कुछ इस तरीके लगता है। आगे सिर्फ इतना सा पैटर्न है, हाथ पे कुछ नहीं है, हाथ सिंपल इतनी सी स्लीव्स है आपको मिलती है 3/4, स्ट्रेट अप कुर्ता है, बैक पे आपको कोई वर्क नहीं मिलता। सो या दैट्स हाउ सिंपल दिस इज, कॉटन फैब्रिक, और इसका मैंने साइज लिया है S, और इसकी जो प्राइस है वो है 449। अलग टाइप का कुर्ता सेट जो कि है, कुर्ता सेट में इसलिए बता रही हूँ आपको पता चल जाएगा, वो है सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लीवलेस कुर्ता मिलता है कुछ इस तरीके के ब्लू में। ये थोड़ा सा इस ब्लू को एग्जैक्ट कलर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट मैं इसको डर्टी ब्लू कलर बोलती हूँ फॉर सम रीजन, बट या इसका एग्जैक्ट कलर मुझे नहीं पता, है ना, पेरिविंकल भी नहीं बोलते इसको, एक पेरिविंकल कलर होता है वो भी नहीं है ये कुछ और ही, मतलब नेवी थोड़ा डार्क ब्लू और लाइट ब्लू का मिक्स हो जाता है तो कुछ ऐसा लगता है। तो ये कुछ इस तरीके का एक काफी अच्छा बॉडी हगिंग टॉप है, आई मीन कुर्ता है ये, बट स्लीवलेस है, एंड आपको नेक लाइन पे इतना एम्ब्रॉयडर्ड व्हाइट और थोड़ा सा मोती मोती मानी जो मिरर वर्क होता है उस तरीके का आपको यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड नेक लाइन मिलता है। और ये है साइड कट्स नहीं है, अभी तक मैंने आपको जितने चार दिखाए उनमें सारों में साइड कट्स हैं, इसमें साइड कट नहीं है, ये पूरा अंदर से मतलब पूरी साइड से कवर्ड, और इसमें थोड़ा सा इस तरीके का घेर है जो आपको कुर्ते में दिख रहा है कुछ इतना। इसके ऊपर आपको एक जैकेट मिलती है, और जैकेट जो है कुछ इस तरीके की कलर में स्ट्राइप्स में ही है, और यहाँ पे थोड़ा बेज और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन यूज हुआ है, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। लाइक इसमें काफी प्यारा लुक आता है, बिकॉज ये ऐसे भी नहीं कि बहुत लूज लतीफ है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मोर लाइक वेरी नाइसली फिटेड जैकेट है, और यहाँ पे ये आपको इतनी स्लीव मिलती है। इसके यहाँ पे आपको पॉकेट नहीं मिलती है सैडली, बट आपको यहाँ पे साइड में इस तरीके का एक ये लूप दे रखे हैं जिसमें बीच में कट भी है, तो ये काफी अच्छा लगता है, लाइक ऑन टॉप ऑफ दिस काफी प्यारा लगता है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। और ये भी आप ब्लैक प्लाजो, न्यूड प्लाजो किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। ये है कॉटन फैब्रिक में S साइज, एंड इसकी प्राइस भी है 799। ये है हमारे पास लाइम ग्रीन, लाइक क्रेजी नियॉन लाइम ग्रीन कलर का, काफी प्यारा लगा मुझे दिखने में। ये मैंने लिया है बिल्कुल ये सोच के, ये चिकनकारी कुर्ते का वर्क है तो मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है। तो ये बेसिकली आपको फैब्रिक का बेस तो ऑब्वियसली बात है कॉटन मिलता है, बट ऊपर आपको चिकनकारी का वर्क काफी भर भर के दे रखा है, लाइक नेकलाइन में पूरा है, देन नीचे भी हल्के हल्के जगहों पे दे रखा है, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। आपको स्लीव्स पे भी नीचे स्लीव्स पे भी मिलता है, और यहाँ पे एल्बो पैच, आई मीन फोर आर्म पैच भी है यहाँ पे, इसका ही सेम व्हाइट एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी वर्क का, बट बैक में आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलता, बट हाँ एक बैक में एक पैच यहाँ पे भी दे रखा है चिकनकारी वर्क का, तो ये कुछ इस तरह का लगता है। काफी नियॉन कलर है, आपको मतलब एग्जैक्ट कलर दिख भी नहीं रहा होगा, इतना ब्राइट कलर है। ये बहुत लॉन्ग नहीं है, बट हाँ से थोड़ा सा और नीचे चला जाता है, दैट्स ऑल, बट या बहुत लॉन्ग नहीं है जितने अभी तक के पहले वाले थे। ये भी मैंने साइज लिया S, और इसकी प्राइस है 699। नेक्स्ट आते हैं अगेन हमारी एक और नियॉन कलर, और वो है हमारा थोड़ा सा पीच में येलो ऑरेंजिश काइंड ऑफ कलर, मतलब येलो नहीं है प्रॉपर, बट मोर लाइक ऑरेंज मिक्स्ड येलो है, और ये कुछ इस तरीके का। इसमें आपको सिंपल सिर्फ आगे इस तरीके का कम्प्लीटली सेपरेटेड फैब्रिक में, कम्प्लीट सेपरेट फैब्रिक नहीं, बट मोर लाइक हाँ आपका इस तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड वर्क को क्या है इस बेसिक फैब्रिक पे स्टिच करके रखा है, और ये इस तरीके का रेक्टेंगुलर पीस है जिसपे वर्क हो रखा है। रेस्ट इस कुर्ते में और कोई वर्क नहीं है, सिर्फ फ्रंट में है वर्क जो आपको शायद लाइट के कारण ज्यादा दिख भी नहीं रहा होगा, बट ऑब्वियसली बात है क्लोजअप्स और वीडियोस में आपको दिख जाएगा। और इट जस्ट ये थोड़ा प्लेन है, और इसका जो फैब्रिक दे रखा है वो है रेयॉन फैब्रिक में, और इसकी प्राइस S है, और इसकी प्राइस है 499। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वन। नेक्स्ट है जो मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा, और ये है हमारा स्काई ब्लू कलर का कुर्ता, और इसमें भी भर के चिकनकारी वर्क दे रखा है, और ये कॉटन बेस में दे रखा है, और इसका आपको नेकलाइन आपको राउंड मिलती है, बहुत प्यारा 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 कलर है, लाइक ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज सो ब्यूटीफुल। इसमें आपको नीचे इस तरीके की स्लीव्स में भी थोड़ा बहुत चिकनकारी का वर्क है, यहाँ पे एल्बो पैचेस हैं थोड़े बहुत, बैक बिल्कुल प्लेन है, और आगे इस तरीके की मुझे एक तो ये बेसिकली जो लाइन जाती है ना यहाँ से वो मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज ये थोड़ा इल्यूजन क्रिएट करती है सबसे पहले तो कि आप थोड़े टॉल हैं एंड साथ ही साथ स्लिम है, सो ये काफी अच्छा लगता है मुझे, और एक काफी प्यारा भी लगा मुझे। इसकी क्वालिटी जो है फैब्रिक्स की मुझे बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी, लाइक मेरे प्राइस के हिसाब से मुझे था कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में हो सकता है, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं था, तो आई रियली लव द क्वालिटी। धोने के बाद का मुझे पता नहीं है, बिकॉज मैंने अभी तक धोई नहीं है, बट या अभी जितना मैंने पहना और इतना आप लोगों को रफ एंड टफ करके दिखा रही हूँ उसके हिसाब से मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अदरवाइज धागे मतलब कपड़े को देख के थोड़ा बहुत फील आ जाता है कि धुलने के बाद इसकी ऐसा हो जाएगी, बट इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा। सो या दिस इज हाउ इट इज, और इसकी प्राइस है 699, और मेरे हिसाब से वो ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि वर्क इज
अमेजिंग बस स्किन का लगा कुर्ता, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मुझे अच्छा लगेगा, बट मुझे पहनने के बाद काफी अच्छा लगा बिकॉज इसका फैब्रिक बिल्कुल खादी कॉटन जैसा फील देता है, ऑल्दो इट्स जस्ट कॉटन बट ये ऐसा लगता है कि ना जैसे खादी कॉटन का पहन रखा है। और ये आगे आपको इस तरीके से मतलब इन्होंने थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं मिसमैच करके एम्ब्रॉय पैटर्न दे रखा है, वो यहाँ पे आपको थोड़े स्ट्राइप्स मिलेंगे आगे में, बट बैक में आपको ऑन दी अदर साइड आपको लाइन्स मिलेंगे कुछ इस तरीके। तो काफी मुझे क्रिएटिव भी लगा, जिस साइड लाइन है वहां पे एक अलग एम्ब्रॉयडरी पैटर्न दे रखा और जिस साइड लाइंस नहीं है वहां पे ऐसे फूल लगा रखे हैं वो भी थ्रेड एम्ब्रॉयडरी करके, तो मुझे काफी प्यारा लगा। आपको स्लीव्स में भी डिफरेंट मिलता है, स्लीव्स में एक में आपको ये क्या बोलते हैं ये लाइन का पैटर्न मिलता है और आगे आपको इस तरीके से कफ मिलती है जो कि ऑलरेडी स्टिच करी हुई है। ऑन दी अदर हैंड आपको स्लीव्स में लाइन नहीं मिलेगी बट ऑन दी कफ यू विल गेट द लाइन, सो काफी कूल सा मुझे मिसमैच कुर्ता लगा। तो ये यहाँ पे इस तरीके से लगेगा और ये काफी मतलब आपको क्लोजअप में मैं दिखा नहीं सकती बट इसमें एक्चुअल में ऐसे ना खादी का जो वो ऐसे लाइन्स नहीं जाती वाइट वाली बिल्कुल वैसे जा रही है, बट एक्चुअल में ये कॉटन फैब्रिक में ही है। एंड या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। की प्राइस थी बाय द वे 699 और इसका भी साइज लिया था मैंने एस। हाँ ये जो कुर्ती है ये है बेसिकली कुर्ती ड्रेस क्योंकि काफी नीचे तक है और ये है हमारे पास व्हाइट कॉटन में और इसमें फ्लोरल सा पैटर्न बना हुआ है ब्लू कलर में और इस तरीके से आपको नीचे भी काफी अच्छा सा पैटर्न दे रखा है, बेसिकली थोड़ा बेडशीट वाला पैटर्न है, जैसे कि मैं इस पैटर्न को बेडशीट पैटर्न बोलती हूँ, तो मेरे को नहीं पता इसको एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलता है बट मेरे हिसाब से बेडशीट पैटर्न होता है और ये कुछ इस तरीके का मुझे काफी सुंदर लगा। नो इसलिए मैंने पहले ये वीडियो में पहन ही लिया था ऑलरेडी। यहाँ पे आपको स्लीव्स को जितनी मिलती है जो कि कंप्लीटली प्लेन फ्लोरल में है, आगे आपको दो बटन मिलते हैं जिसमें से नीचे वाला स्टिच है और ऊपर वाला ओपन ही रहेगा, उसको आप बंद नहीं कर सकते। सो यार दैट्स हाउ इट इज। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये हल्का सा लूज है, थोड़ा सा टाइट हो सकता था बट उसको मैं ऑर्डर करा सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपको घेर मिलता है थोड़ा गैदरिंग का, मेरी हाइट जैसे 165 सेंटीमीटर है उसके हिसाब से मेरा एंकल से ये इतना दूर रह रहा था जैसे कि आप वीडियो में देख चुके होंगे और इसके नीचे इसलिए मैंने जीन्स ही डाल दी बिकॉज फिर मेरे पैर वैक्स नहीं हो रखे थे तो इसलिए मैंने जीन्स ही डाल दी। इसमें बॉटम्स में एटलीस्ट कोई ना कोई शॉर्ट पहननी पड़ेगी बिकॉज ये कॉटन में है तो थोड़ा बहुत शेयर हो जाएगा डायरेक्ट लाइट में। इसकी प्राइस सिर्फ 585 है। ऑफ शोल्डर सी ड्रेस और ये कुछ इस तरीके की है, बिल्कुल डार्क नेवी ब्लू कलर में और ये कुछ इस तरीके लग रही है मुझे, ये भी काफी अच्छी लगी। इसमें टैसल वर्क है, एम्ब्रॉयडरी है थ्रेड की और काफी प्यारा लुक लेता है। यहाँ पे जो आर्म होल है इसमें से निकल जाएगी तो इसमें ऐसा भी नहीं रहेगा कि ड्रेस ऐसी नीचे गिर जाएगी, ऐसा भी नहीं है बिकॉज इसमें प्रॉपर आपके आर्म्स में ही ड्रेस रहेगी। फिर ये जो ऊपर से आ रहा है ये आपके शोल्डर्स पे कुछ इस तरीके से आके लग जाएगी तो ये काफी प्यारा लगता है और कहीं गिरेगा भी नहीं, सो दैट्स ऑल गुड। एंड ये जैसा कि आगे से आपको दिख रहा है वैसा ही पीछे से भी है बट द ओनली डिफरेंस इज आगे आपको नीचे भी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी दे रखी है जो कि आपको पीछे नहीं मिलेगी। तो यार दिस इज हाउ द बॉटम एम्ब्रॉयडरी इज। आपको अगर दिख रहा हो तो ऑब्वियसली बात है वीडियो में आपको जो मैं पहन के दिखाऊंगी उसमें और क्लियरली दिख जाएगा बट या दैट्स हाउ इट इज। इसके नीचे भी मैंने जीन्स पहन रखी थी बिकॉज रीजन मैंने पहले बता दिया बट या दैट्स ऑल अबाउट दिस। इस वाले में पर्टिकुलर में थोड़े एक आधे धागे इधर उधर से निकल रहे थे बट दैट्स आई थिंक सारे कपड़ों में हो जाता है बट या दैट्स हाउ इट इज। इसकी जो बाय द वे प्राइस है वो है 780, आई थिंक दैट्स फाइन ड्रेस के हिसाब से। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, अगर आया तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन राइट अवे। इतनी मेहनत का यार थोड़ा बहुत तो बनता है, लाइक की तो है क्या 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 लग जाएगा, पैसे भी नहीं लगते, लाइक तो आप कर ही सकते हैं। एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं न्यू वीडियोस पोस्ट करती हूँ एवरी वीक, ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे भी कि मैं एवरी वीक कर सकूँ। एंड साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, दैट इज द वोक डॉल। एंड नाउ आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।